आर्ली चिनो का मेरे हिसाब से अभी मेरे पास जो बिल्ड है इसमें अटैक 2000 के ऊपर रखना है आपको, एलिमेंटल मास्टरी आपको 100 के ऊपर रखना है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको मेंटेन करना है। क्रिट रेट, ये क्रिट हंगरी है तो आपको 60 प्लस रखना ही है, या फिर आपको खुद देखना है आपकी कैरेक्टर क्रिट मार रही है या नहीं मार रही है, 3-4 बार में कितने बार क्रिट मार रही है वो देखना है। अभी मेरे पास है नहीं, मैंने हुताओ का वेपन यूज किया है तो ये, और क्रिट डैमेज आपको जो है 200 के प्लस रखना है एज एन डीपीएस, ठीक है। 60 प्लस 200 मिनिमम रखना है, क्रिट आपको खुद देखना है। रही बात एनर्जी की, उसका आपको कम से कम 140 तक के रखना है मिनिमम, अगर सोलो है, और डबल पायरो अगर यूज कर रहे तो 130 प्लस चल जाएगा मैक्स। ये हो गया। अब मेरे पास हुताओ का वेपन ये है, इसने इस वेपन पे अभी तक के डैमेज दी है 129 के हाईएस्ट, और 100,000 तक के पहुंच जा रही है, ठीक है। और इसने 95 के दी है अभी तक के डैमेज, 100 तक के ये भी पहुंच जाएगी, ठीक है, इस वेपन के साथ। इसमें क्रिट डैमेज ज्यादा हो रहा है, इसमें क्रिट डैमेज कम हो रहा है, तो इसमें थोड़ा डैमेज कम है, बट हाँ इसमें कंसिस्टेंट थोड़ा डैमेज मिल रहा है, 60-70 के आसपास कंसिस्टेंट डैमेज, मतलब 50-70 तक के जो है आपको कंसिस्टेंट डैमेज मिल रहा है, ठीक है, इस वेपन पे। अब मैंने F2P में ये वाला वेपन भी यूज किया, इस वेपन पे भी थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा है इसके, इसमें क्या है क्रिट और क्रिट डैमेज दोनों कम हो जाता है, बट वेपराइज टीम के लिए ये वेपन आप हद तक की यूज कर सकते हो अगर आपके पास R5 है। रही बात कैच, कैच तो आपको पता ही है, इसका ही डुप्लीकेट समझ लो, इसी का डुप्लीकेट है तो ये भी डैमेज दे देगा। आर्टिफैक्ट्स ग्लैडिएटर मेरे पास अभी फिलहाल यही है, अभी दूसरा आर्टिफैक्ट्स मेरे पास है नहीं। इस ग्लैडिएटर के साथ ही जो मैंने डैमेज बताया वही है, टू पीस हमने यूज किया था, टू पीस अटैक टू पीस पायरो, तो इससे मिनिमम थोड़ा बहुत डैमेज आ रहा था, ज्यादा डैमेज नहीं आ रहा था, मतलब ग्लैडिएटर जितना नहीं आ रहा था। और इसका मेन मैंने अभी तक के यूज नहीं किया है तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, तो ऑब्वियसली ग्लैडिएटर से तो ज्यादा ही बेटर रहेगा दोस्त, इससे तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो है आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाई देगा क्या था, बॉन्ड ऑफ लाइफ अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसमें आपका डैमेज इंक्रीज होता है, तो वो भी हो जाएगा। रही बात वेपन भी, अगर आप इसका खुद का वेपन लोगे तो उसमें भी बॉन्ड ऑफ लाइफ का खेल है, और अगर आपने वेपन नहीं दिया है, वेपन इसका खुद का नहीं है, तो आपको बर्स्ट पहले टैलेंट करना पड़ेगा, फिर एलिमेंटल स्किल, और अगर आप इसमें इसका खुद का वेपन लगाते हो तो मेरे हिसाब से नॉर्मल अटैक के बाद पहले एलिमेंटल स्किल देना है, लेवल अप करना है, और एलिमेंटल बर्स्ट ये 8-8 तक के रख सकते हो, इसको क्राउन कर सकते हो आप, ये 8 तक के सफिशियंट है, 8 नहीं तो भी 6 तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें ये 8 कर सकते हो आप, ये भी 8 कर सकते हो, ठीक है, इसको क्राउन करने की जरूरत नहीं। रही बात कॉन्सिलेशन, अगर आपके पास वेपन है तो उसके बाद कॉन्सिलेशन में जाना, क्योंकि इसमें एडिशनल आपको इंक्रीज मिलता है, और मेन बात जो है वो है इसका इंटरप्शन रेजिस्टेंस, इसके वजह से, ठीक है। टैलेंट हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। अब मैं टीम कॉम की बात करता हूँ, तो टीम कॉम में सबसे बेस्ट मेरे को ये टीम लगी अभी तक के, ये टीम सबसे बेस्ट लगी। दूसरी टीम इसकी जगह काजुआ यूज कर सकते हो, उसमें भी अच्छा डैमेज मिल रहा है, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग ही करती है, तो अगर आप काजुआ ले रहे हो तो आपको एनर्जी रिचार्ज अच्छा खासा रखना पड़ेगा, और अगर आप शील्डर ले रहे हो तो एनर्जी रिचार्ज आपको कम रहेगा तो भी चलेगा, अगर कम एनर्जी रिचार्ज है तो शील्डर कैरेक्टर यूज करो, अगर अच्छा खासा एनर्जी आपका मेंटेन हो जाता है तो आप काजुआ ले सकते हो। बट याद रखना, अगर आप बार बार हील करोगे, अल्ट यूज करोगे, तो आपको मैक्सिमम डैमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑफ लाइफ उसके ऊपर तक के नहीं जाएगा, जैसे आपको पता है ना 30% से ऊपर उसके मैक्स एचपी से ज्यादा अगर बॉन्ड ऑफ लाइफ जाएगा तो तब जाकर वो डैमेज बूस्ट करेगी, तो उसके हिसाब से तो ये ध्यान रख लेना। और इसके साथ मैंने ट्राई किया, मेरे पास शिवलेट नहीं है, तो काफी लोग बोल रहे हैं चैट में कि शिवरेट के साथ काफी अच्छा डैमेज दे रही है, दूसरे इसमें देखा है उन लोगों ने दूसरे के इसमें, तो शिवलेट मेरे पास है नहीं, तो मैंने फिशल के साथ ट्राई किया, तो फिशल के साथ भी मेरे को नॉर्मल डैमेज मिला, लेकिन उस टीम जो वेपराइज टीम थी उससे कम मिल रहा है, शायद शिवरेट के साथ शायद ज्यादा मिलता है वो मुझे नहीं पता। और एक मैंने यूज किया नाहिदा के साथ बर्निंग टीम, तो ये भी डिसेंट डैमेज है, उतना डैमेज नहीं है बर्निंग टीम का, तो यहाँ तक के मुझे लग रहा है कि वेपराइज में अच्छा डैमेज दे रही है, और शेवरेट के साथ शायद अच्छा डैमेज दे सकती है ये दो टीम, ओवरलोड और बर्निंग में ही रहेगी। मोनोपायरो टीम मैंने अभी तक की यूज नहीं किया है, मोनोपायरो टीम मैं बाद में यूज करूंगा, ठीक है, अभी तक के तो मेरे पास इतना ही है। और रही बात इसको खेलना कैसे, इसको खेलना है पहले आपको, जब आप जाओगे किसी डोमेन में स्किल यूज करो, एनिमीज को बॉन्ड ऑफ लाइफ आएगा, मार्क आ जाएगा, फिर उसके बाद आप कैरेक्टर चेंज करके इनके स्किल या फिर अल्ट यूज करो, फिर आर्ली चिनो लो इसका ऐसा ये मार के, फिर आप इसको कंटिन्यू मारते रहो, ठीक है,
और इसको बार बार आपको एलिमेंटल स्किल ही करना है, बार बार एलिमेंटल बर्स्ट यूज मत करो, बार बार एलिमेंटल बर्स्ट यूज करोगे तो बॉन्ड ऑफ लाइफ हट जाएगा। तो एलिमेंटल स्किल यूज करते रहना, एलिमेंटल बर्स्ट आपको तब यूज करना है जब ये नीचे रेड बार जो है ना, ये रेड बार के मतलब जब आपको लग रहा है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, आर्ले चिनो मर सकती है अभी, ठीक है। आप शील्डर यूज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बराबर टाइम पे आपको यूज करना पड़ेगा इसका अल्ट, तो शील्डर में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर शील्डर नहीं लेते हो तो आपको बार बार अल्ट यूज करना पड़ेगा, आपको दूसरे कैरेक्टर्स के साथ शील्डर तभी यूज मत करना जब आपको लगता है कि मेरे दूसरे कैरेक्टर्स अच्छा खासा सपोर्ट दे देंगे आर्ले चिनो को, तब जाकर। अगर आपको इसको खुद का डैमेज इंक्रीज करना है, बड़ा सा बड़ा डैमेज देखना है, तो आप शील्डर यूज करो ताकि बॉन्ड ऑफ लाइफ बढ़ते रहे, एलिमेंटल स्किल यूज होते रहे और लास्ट में एलिमेंटल बर्स्ट करके ये वही डैमेज देके इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। अभी पुल करना चाहिए क्या नहीं, तो मेरे हिसाब से जिनके पास होताव है ऑलरेडी वो अभी वेट करो, अभी इसमें और भी बहुत कुछ टेस्टिंग बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, नए नए बहुत सारे रोटेशन आएंगे अभी भी, ठीक है, नए नए टीम्स आएंगे इसकी, और भी अच्छी अच्छी टीम आ सकती है। तो अभी जिनके पास उताव है वो वेट करो, जिनके पास उताव नहीं है और एक पायरो डीपीएस की नीड है तो वो पुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुल कर सकते हो, बट एक शील्डर कैरेक्टर होना चाहिए। और नेक्स्ट निवलेट ज्यादा बेटर है या आर्ले चिनो, तो अभी तक के जो मेरा ये बिल्ड है इसके हिसाब से तो मुझे निवलेट ही ज्यादा बेटर लगा, आर्ले चिनो उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और रही बात उताव और आर्ले चिनो कौन सी बेस्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं इस मैटर पे नहीं पढ़ना चाहता, ये बाद में बताऊंगा। तो अभी तक के मेरे को जितना पता चला फर्स्ट इंप्रेशन में, अभी तक के मैंने 5 घंटे खेला इसके साथ, अलग अलग टेस्ट किया, तो मेरे को जब तक के जितना पता चला मैंने ये पता किया, बाकी और इससे आगे हम तो स्ट्रीम करते रहेंगे। सब्सक्राइब तो किया ही होगा ना, सब्सक्राइब किया है क्या नहीं रे, सब्सक्राइब किया होगा, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, जैसे जैसे आएंगे शाम को भी आएंगे, वहां पर भी हम लोग टेस्ट करेंगे, धीरे धीरे टेस्टिंग बढ़ते जाएंगे, इसके बारे में और नॉलेज आते रहेगा, ठीक है। और इसकी गाइड वीडियो भी आ जाएगी 1 या 2 दिन बाद, फुल गाइड वीडियो आ जाएगी इसकी, तो वो भी देख लेना कि कैसे बिल्ड करना और ये कैसे वर्क करेगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी है, अगर आर्ले चिनो का किट थोड़ा बहुत समझना है स्टार्टिंग का तो वो देख लेना। उसमें एक गलती है कि मैंने कहा था, तभी क्लियर नहीं था कि आर्ले चिनो दूसरे का हील ले सकती है, बट अभी यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग ही कर सकती है, दूसरों का हील नहीं लेगी, ठीक है। तो वो एक गलती है उसके अंदर, और शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगा, आज ही आ जाएगी या फिर आ गई होगी तो देख लेना, ठीक है।